वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड पैश्चर सिंड्रोम के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि गुड पैश्चर सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है, किसे होता है, इसके क्या कारण होते हैं, जांच, लक्षण और इलाज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गुड पैश्चर सिंड्रोम होता क्या है। तो जो गुड पैश्चर सिंड्रोम है, एक जो एंटी ग्लोमुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो मुख्यतः किडनी में पाए जाते हैं या फेफड़ों में पाए जाते हैं, उसकी बीमारी होती है। ये ऑटोइम्यून बीमारी है, मतलब ये खुद न खुद शरीर अपने अगेंस्ट में काम करता है, जिसकी वजह से जो आपके फेफड़े हैं मतलब लंग्स और गुर्दे दोनों इससे प्रभावित होते हैं, दोनों में ही इसका इम्पैक्ट होता है। इसमें होता क्या है, ये जो ऑटोइम्यून बीमारी होती है ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैक करती है और उनको धीरे 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 खाने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है प्रॉब्लम पहुंचती है, जिसके आगे चल के साइड इफेक्ट होते हैं। यदि हम बात करें इसका कारण क्या होता है गुड प्रेशर सिंड्रोम का, तो पहले तो हमने बात करी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होती है, दूसरा होता है जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या जिनको लंग्स का इन्फेक्शन वगैरह होता है, ऊपरी लंग्स का इन्फेक्शन, लगातार खांसी या इस तरीके की प्रॉब्लम बनी रहती है, या जिन फैमिलीज में कॉमन है मतलब जेनेटिक बीमारी भी होती है, तो इसकी वजह से आपको गुड प्रेशर सिंड्रोम होता है। गुड प्रेशर सिंड्रोम जो होता है स्टेजेस में डेवलप होता है, पहले मतलब ये क्या होता है पहले फेफड़ों में दिखाई देता है, उसके बाद गुर्दों को ये प्रभावित करता है। ये जो बीमारी है इसके लक्षण जो होते हैं पहले फेफड़ों में होते हैं, मतलब आपको इसकी वजह से क्या होता है सांस लेने में परेशानी है, कठिनाई है, सीने में जड़न, जकड़न, दर्द या खून की खांसी या नॉर्मल खांसी लगातार बनी रहती है, उसके बाद खून की खांसी आती है और खांसी के साथ में जो होता है चमकीला खून या लाल या भूरा कलर का खून भी इसमें होता है। साथ में क्या होता है उसके बाद में ये किडनी तक फैलती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है पेशाब संबंधी बीमारी हो जाती है और इसका मेन सिम्टम्स है पेशाब के अंदर खून आना, साथ में पेशाब में प्रोटीन्स भी आते हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेशाब में दूसरी और परेशानी होती है, जलन है, पेशाब का प्रोडक्शन कम हो सकता है, साथ साथ में आपको थकान और कमजोरी वगैरह भी इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसकी जाँच कैसे करवाते हैं, तो सबसे पहले आपके डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे, आपका छाती का एक्सरे करेंगे, आपकी किडनी का जो टेस्ट होते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह करेंगे, तो आपको उनको पता चलेगा परेशानी क्या है। उसके अलावा आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वगैरह जो एंका सी एंका पी एंका उनकी भी जरूरत पड़ सकती है, साथ में किडनी बायोप्सी की भी काफ़ी बार जरूरत पड़ती है या फेफड़ों की बायोप्सी या ब्रोंकोस्कोपी की भी आपको जरूरत पड़ सकती है आगे पता लगाने के लिए। फिर कठिन या जो होती है कॉम्प्लेक्स बीमारी होती है गुड पैश सिंड्रोम। इसका ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई दी जाती है क्योंकि इम्यूनिटी ज़्यादा आपकी एग्रेसिव हो जाती है, जैसे प्रेडनिसोलोन है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा प्लाज्माफेरेसिस जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जो तरल पदार्थ प्लाज्मा होता है निकालना, उसके बाद हानिकारक एंटीबॉडीज को छानना और लाल रक्त सफेद घाव को आपके शरीर में मतलब रेड एंड व्हाइट सेल्स को आपके शरीर में दोबारा जो है ना स्थापित करना, ये शामिल हो सकता है।